हेलो गाइस, दिस इज़ नाहिद उस्मान और आप देख रहे हैं यू एन आर डिज़ाइन। आज हम कुछ डिफरेंट बनाने वाले हैं। आज हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाएंगे और जिसके लिए ऑलरेडी मैंने मोटिव को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जिससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मोटिव हैं जिनको मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आज इन मोटिव से हम अपना पैटर्न बनाएंगे। ये देखें, ये अलग अलग लेयर्स पे हैं चार मोटिव। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल के मेन्यू में, न्यू पे जाएंगे और पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे और 1000 विड्थ और 1000 हाइट और 300 रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलें जी, एक और पेज ओपन हो गया। इसके बैकग्राउंड को हम करेंगे अनलॉक और जो हमारी ये चार लेयर्स हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट लेके जा सकते हैं या कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके इनकी कॉपी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं चारों लेयर्स को एट ए टाइम लेके जाऊंगी अपने पेज पे। चलिए जनाब, कंट्रोल टी करके हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसके जो साइज है इसे अपने हिसाब से फिक्स करेंगे। उसके बाद हम जीरो लेयर पर जाएंगे और कंट्रोल टी क्लिक करके हम इसका सेंटर मालूम कर लेंगे। ओके, अब हम अपने लेयर्स को यहाँ पे फिक्स करेंगे। अपने पेज के हिसाब से इसके साइज को हम फिक्स करेंगे। थ्री लेयर्स हो गई, लेयर फोर लास्ट वाली लेयर, इसे भी हम फिक्स करेंगे इसके साइज को। ये आपने डिजाइन के हिसाब से इनकी सेटिंग करनी है मोटिव्स की। ओके, तकरीबन ये हो गया। चलिए जनाब, तकरीबन ये हो गया। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी इसकी सेटिंग वगैरह करनी है तो आप इसे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ अभी, ताकि हमारा पैटर्न अच्छा बने और हमारे पैटर्न में किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक ना आए। ओके, तो ये डन हो गया। अब हम चाहें तो इनको मर्ज कर सकते हैं या फिर हम इसी तरह डायरेक्ट पैटर्न बना लें। तो हम इसके बैकग्राउंड लेयर को जीरो लेयर को कर लेंगे ऑफ और यहाँ पे हम जाएंगे अधर में और यहाँ पे ऑफसेट पे, सॉरी सॉरी गलती होगी। अब हमें इसे अधर में जाके ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट ही पैटर्न बना लेंगे। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है तो उसके लिए हमें फिल्टर में और ऑफसेट की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपल डायरेक्ट ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना लेंगे। तो सिंपल सा हम डायरेक्ट जाएंगे एडिट के मेन्यू में और नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा डिफाइन पैटर्न, देन इसे ओके कर देंगे और पैटर्न को एक नाम दे देंगे, पैटर्न UN22। ओके, और अगेन हम फाइल के मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज ले लेंगे। ओके, मैं इसे कर लूंगी अनलॉक, कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी ले लूंगी और जीरो ओवरले में जाके इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लूंगी और इसका साइज अपने हिसाब से जो मैं रखना चाहूँ। चले जनाब, ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है और अब इसमें हम अपनी मर्जी के हिसाब से कलर को फिल्स करेंगे, जो कि हम यहाँ पे स्विचेस में जाके कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। और ये पिंक कलर मैंने सिलेक्ट किया है और देन आप पेन बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक दफा क्लिक करेंगे तो कलर आ गया।
चले जनाब, आज का पैटर्न हो गया कंप्लीट। आई होप कि ये पैटर्न आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो और आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।